हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट साइमन कमीशन, और आपको भी पता है कि ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट। तो जिसमें काफ़ी इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया गया था। एंड फर्दर मोर जो साइमन कमीशन बिठाया गया था, वो बिठाया गया था बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसके उसको स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसमें क्या लैकुनाज हैं और क्या उसके बीच में अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं इंडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। तो ये कमीशन जो था वो 1929 में आना चाहिए था, बिकॉज उसकी प्रोविजन के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 की प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है, उसके रिव्यू के लिए। बट ये दो साल पहले ही आ गया था 1927 में। वाई? बिकॉज उस टाइम पे कंजर्वेटिव पार्टी थी फॉर्म में, और जल्दी ही इलेक्शंस होने वाली थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो लेबर पार्टी का इनको खतरा था कि अगर लेबर पार्टी आ गई तो हमारी पार्टी जो है वो, मतलब क्या उसे कहते हैं, पावर जो है वो लूज कर देगी, है ना। तो उसके चलते जो था वो साइमन कमीशन 2 ईयर्स इन एडवांस ही लाया गया था इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ने से पहले। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। एंड इवन जो स्टेट PCS के लिए भी प्रिपेयर करते हैं बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं उनको भी कहती हूँ कि आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो एक बार वो सॉल्व करके ज़रूर देखिए, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों। आई बेट यू कि आप 90% से भी अबव अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, जहाँ तक मैंने आपको सिलेबस करवा दिया वहाँ तक का, ठीक है। तो इसलिए आपको मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिलीव मी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, ठीक है, इससे मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है। सो बेसिकली जैसे कि कांग्रेस ने भी डिमांड की, स्वराजिस्ट ने भी डिमांड की कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो थी वो चाहिए थी। स्पेशली उसका सबसे बड़ा जो इन्होंने, मतलब ड्रॉबैक, कईयों को तो ठीक, फ्यू पीपल वर सेटिस्फाइड, बट कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे कि जो डायार्की इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी प्रोविंशियल लेवल पे, राइट। तो इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इसमें डिवाइड कर दिए गए थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे वो इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए गए थे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर के पास ही रहे थे, ठीक है। तो गवर्नर जो था ही वॉज अकाउंटेबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंडन में था, और इंडियन जो मिनिस्टर्स थे देवर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। बट वही हो गया ना कि यहाँ पे जो है, जो गवर्नर जनरल है उसके पास पावर तो है लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वहीं इंडियन मिनिस्टर्स जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन इनके पास पावर नहीं है, तो ये एक बड़ा लैगुना था इस एक्ट का। तो इसको जो था वो चाहते थे कि इसको डायार्की को अबॉलिश किया जाए, और इस एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें ये डायार्की जो थी वो अबॉलिश हो गई थी, ठीक है। तो वही साइमन कमीशन की भी एक रिकमेंडेशन थी। सो देन एक्ट इन वाइसेज, जो ये जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें हमने पढ़ा था ना, एक प्रोविजन था उसमें कि 10 साल के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा और उसमें फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस हो सकती है वो की जाएगी रिफॉर्म्स लाके। तो वो चीज़ जो थी वो भी साइमन कमीशन इसीलिए, इसी के चलते जो था वो बिठाया गया था उन एक्ट को, मतलब 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए। सो फर्दर जो रिव्यू था वो 1929 में आने वाला था, बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी जो था उसको अपना पावर लूज करने का डर था लिबरल पार्टी को, तो इसके चलते जो, सॉरी लिबरल बोरी और लेबर पार्टी को, ऑब्वियसली लेबर पार्टी थोड़ी लिबरल भी थी, कंजर्वेटिव पार्टी कंजर्वेटिव है तो वो कंजर्वेटिव ही रहेगी अपने अप्रोच में, राइट। तो लेबर पार्टी को इनको पावर लूज करने का खतरा था, तो जिसकी वजह से इन्होंने 2 साल पहले ही जो था वो अपना कमीशन सेटअप कर लिया, राइट। तो सिंस द कंजर्वेटिव पार्टी डिड नॉट वॉन्ट द लेबर पार्टी टू टेक ओवर ब्रिटिश इंडिया, इट कॉन्स्टिट्यूटेड कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 British MPs। तो ये नंबर आपको याद रखना है कि इसमें जो नंबर ऑफ पर्सन्स थे, जो इसके मेंबर थे कमीशन के, वो 7 थे, ठीक है। वो कौन कौन थे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, बट यू डोंट नीड टू लर्न, जस्ट उनको एक दो बार पढ़ना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन कौन बंदे थे। सो लेबर पार्टी कैंडिडेट जो था उस टाइम पे, ही वॉज मैकडोनल्ड, आपको पता है बाद में आएगा भी ये एज अ PM लेबर पार्टी फॉर्म में भी आ गई थी। सो इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन, ये ऑल वाइट कमीशन था, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका क्या जस्टिफिकेशन देती है, वो कहती है क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो इसके चलते इसके सारे मेंबर्स भी ब्रिटिशर्स ही होंगे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही होंगे।
सो कमीशन का मेनली जो काम था, इसको क्या करना था कि इसको जो इंडियंस थे, डिफरेंट डिफरेंट जैसे पार्टीज थी इंडिया में भी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, जस्टिस पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, काफ़ी पार्टीज उस टाइम पे डेवलप हो रही थी छोटी छोटी, तो उनके साथ अपनी उनकी ओपिनियंस लेनी थी फर्दर रिफॉर्म्स के लिए. सो फर्दर मोर एक और इसमें चीज़ थी कि इस कमीशन का टोटल खर्चा जो था उस टाइम पे 3.5 लाख के बराबर था, जो कि पूरा का पूरा इंडियन एक्सचेकर से जा रहा था, देखो, है ना. बट ये क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है, पेरेंट्स जो हैं वो अपने जो बच्चे हैं उनके लिए कानून तो बना ही सकते हैं ना, तो खर्चा जो था वो भी इसको जस्टिफाइड ही बोलते थे कि हम आपके लिए कमीशन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके ही बेनिफिट के लिए, आपके लिए फ्यूचर के लिए बना रहे हैं तो पैसा भी आपसे लेंगे ना. तो फर्दर ये भी जस्टिफिकेशन साथ में देते हैं कि देर इज़ नो हार्म दैट चिल्ड्रन बींग लेजिस्लेटेड बाई पेरेंट्स. अब इसके मेंबर्स कौन कौन है, आपको मेंबर्स जो है वो याद नहीं करने हैं, रट्टे नहीं मारने, जस्ट इनको 3 से 4 बार पढ़ना है ताकि आपको अगर ऑप्शंस में आ जाए कि इनमें से कौन सा मेंबर था या कौन सा मेंबर नहीं था, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, ठीक है. तो ये 7 मेंबर्स कौन थे, सबसे पहले सर जॉन एलसब्रुक साइमन, सर जॉन साइमन भी इसको बोलते हैं. तो ये पहले ही इसने मतलब कैबिनेट पोस्ट जो थी लास्ट 30 ईयर्स से ये उस पर था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एंड ही एक्टेड एज अ चांसलर ऑफ एक्सचेकर, फॉरेन सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन. एंड उसके बाद क्लेमेंट रिचर्ड एटली, ये इसका असिस्टेंट बन के आया था कमीशन का, और आपको पता है इसका काफ़ी रोल रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस में, ठीक है. ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो यही पीएम था इंडिया का, ठीक है, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इसको याद रख लेना. देन इनके अलावा और कौन कौन मेंबर थे, हैरी लेवी लॉसन, सर एडवर्ड जॉर्ज कैटगन, वर्नन हाशन, जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स, डोनाल्ड स्टर्लिंग, पामर हॉवर्ड, ठीक है. तो मतलब थोड़े से डिफिकल्टी है नाम, बट फिर भी आपको 3 से 4 बार पढ़ लेना तो आपको वैसे ही पता लग जाना है, ऑप्शंस देख के पता चल जाता है ना, जो पढ़ा ना हो ऑब्वियसली वो नहीं है. सो पीपल इन इंडिया वर इन्फ्यूरिएटेड एंड फेल्ट इंसल्टेड, ऑब्वियसली कि एक आप इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, इंडियंस के लिए रिफॉर्म कर रहे हो, और उसमें कोई मेंबर इंडियंस ही नहीं है, मतलब आपका जो कमीशन बनाया है उसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं है, मतलब इंडियंस इतने ही गए गुजरे हैं क्या, कि आप उनको इतना भी कंसिडर नहीं करते, उसका पार्ट भी नहीं, आपने एक बंदा भी नहीं इंडियन बिठाया है ना. तो लोग तो भड़केंगे, स्पेशली जो लीडर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बेसिकली. तो इस चीज़ के चलते जो था ऑल ओवर इंडिया में जो था वो प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, राइट. तो दिसंबर 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी मद्रास में, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. मद्रास में ये मीटिंग हुई थी और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन, स्नैप रेजोल्यूशन था, ये फुल रेजोल्यूशन नहीं था, ठीक है, वो भी क्यों नहीं था वो भी देखते हैं. तो स्नैप रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया पूर्ण स्वराज का, विदाउट चेंजिंग आर्टिकल 1 ऑफ INC कॉन्स्टिट्यूशन. अब आर्टिकल 1 क्या था INC कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें लिखा हुआ था डोमिनियन स्टेटस और स्वराज. अब डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ रूल क्या होता है बच्चे, कि देखो कोई मतलब कंट्री है जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, तो ब्रिटेन के अंडर मतलब एज एन अटैचमेंट जो है वो इंडिया काम करेगा, लेकिन जो भी इंडिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी है वो ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश क्राउन के पास रहेगी, ठीक है. तो ये बेसिकली जैसे होता ना कि कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं तो वो किसी यूनिवर्सिटी को तो अफिलेटेड होते ही है ना, तो वो सिस्टम हो जाता है डोमिनियन स्टेटस का. तो ये पूर्ण स्वराज नहीं है, राइट. तो इट वाज कॉल्ड स्नैप रेजोल्यूशन, नॉट फुल रेजोल्यूशन, बिकॉज इट डिमांडेड पूर्ण स्वराज, बट इसमें डोमिनियन स्टेटस को जो था वो डिलीट नहीं किया गया, जिसके चलते कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट हो गई, राइट. Then further, it also challenged the Secretary of State for India, Lord Birkenhead. अब जो Lord Birkenhead था ना Secretary of State, ये बड़ा ही खराब बंदा था, इसने इंडियंस की बेइज्जती की थी, स्पेशली जो INC के लीडर्स थे उस टाइम पे. इसने बोला कि मतलब इंडियंस इतने ही गए गुजरे कह लो हैं कि वो एक कंसेंसस पे भी नहीं पहुंच सकते हैं, एक पीसफुल एग्रीमेंट पे भी नहीं पहुंच सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, ठीक है. तो इसी चैलेंज को बाद में जो कांग्रेस थी उसने एक्सेप्ट किया था और नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना. इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद दिल्ली रेजोल्यूशन निकला, नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, 1928 में. उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो बेसिकली इसी की मतलब इसने जो था इंडियंस को चैलेंज किया था. सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव पार्टी कहती है कि जो ब्रिटिशर्स है ना ये इंडियंस से लेजिस्लेशन मतलब जो लॉज वगैरह बनाती है तो लेजिस्लेशन की फील्ड में ये इंडियंस से कहीं ज्यादा माहिर हैं. देन ऑल पार्टीज एक्सेप्ट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि इस कमीशन के चलते, मतलब जब साइमन कमीशन को बिठाया गया था तो इसको हर एक पार्टी ने अपोज किया था, इवन मुस्लिम लीग ने भी, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो उस टाइम पे लीग को लीड कर रहे थे उन्होंने भी इसको अपोज किया था, बट दो पार्टीज़ ऐसी थी जिन्होंने इसको अपोज नहीं किया था। पहली पार्टी थी जस्टिस पार्टी इन मद्रास प्रोविंस और दूसरी थी यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब प्रोविंस, ठीक है। तो इन दोनों पार्टीज़ को छोड़ के सभी पार्टीज ने जो था वो लेजिस्लेचर्स थे रिज़ाइन कर दिया था इन प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन। देन इवन लेड बाय मोहम्मद अली जिना सम ऑफ मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग टू हैड मेड अप देयर माइंड्स टू बायकॉट द कमीशन एंड इट बिकेम अ सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट एवरीवेयर। तो ये उस टाइम का एक पोस्टर है जब मतलब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, तो ये अराउंड जनवरी 1928 में आया एंड 3 फरवरी 1928 को पहुंचा एंड एज सून एज द कमीशन अराइव्ड इन बॉम्बे इट वाज ग्रीटेड बाय थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर हु डिमांडेड द कमीशन टू गो बैक एंड इवन लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स के साथ जो था इनका स्वागत किया था। जहां पे भी ये कमीशन बाद में गया वहीं वहीं इनको साइमन गो बैक के जो नारे जो थे स्लोगन्स जो थे वही दिखे। सो फर्दर अक्टूबर 1928 में ये कमीशन जो था ये लाहौर पहुंचा और लाहौर में भी अगेन वैसे ही कमीशन का प्रोटेस्ट किया गया और लाहौर में जो था वो इंडियन नेशनल लीडर लाला लाजपत राय इसको लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को, ठीक है। तो वहां पे जो था जो जेम्स ए स्कॉट था, इसका नाम भी आपको याद रखना है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था उस टाइम पे वहां का लाहौर का, तो इसने जो था वो लाठीचार्ज ऑर्डर कर दिया एंड इन स्पाइट ऑफ बींग सब्जेक्टेड टू ब्रूटल ब्लोज एट द हैंड्स ऑफ जेम्स ए स्कॉट एंड हिज टीम ऑफ पुलिस मैन, लाला लाजपत राय एड्रेस्ड द क्राउड इवन बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल हेल्प और इन्होंने बोला था लोगों को कि ब्लोज स्ट्रक एट मी विल बी द फाइनल सेट ऑफ नेल्स इन ब्रिटिश इंडियाज कफन, के बस इनका अंत आ गया ब्रिटिशर्स का। सो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, उसके बाद तो भगत सिंह जो थे राजगुरु सुखदेव, ठीक है, तो ये लोग जो थे ये बदला लेना चाह रहे थे उनकी डेथ का। फिलहाल ये था कि लाला लाजपत राय उस टाइम पे वायलेंस के अगेंस्ट हो चुके थे, है ना, तो ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, बट इनके जो फॉलोअर थे स्पेशली भगत सिंह राजगुरु तो ये कहते थे कि नहीं हम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने वही हो गया ना कि गुरुओं का भुलेखा पड़ गया इनको, जेम्स एस्कॉट को मारना था, मार दिया, जॉन पी सॉन्डर्स को, एक जैसे तो होते हैं ये, तो ये इसको मार दिया पी सॉन्डर्स को एंड ही वाज किल्ड बाय भगत सिंह एंड राजगुरु। और इस केस को हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है जो जिसकी फाइल बाद में जेल में, जब ये जेल में थे असेंबली बॉम्ब केस में, तो खुल गई थी ड्यू टू द ट्रैकरी ऑफ बनवारी लाल, है ना, तो तीनों को फांसी हो गई थी। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिकमेंडेशंस क्या थी साइमन कमीशन की, सबसे पहली तो ये थी कि डायरकी जो है इसको अबॉलिश किया जाए प्रोविंशियल लेवल पे, है ना, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस को दी जाए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इंडियंस जो थे उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, है ना, सम वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इंडियन लेजिस्लेचर, नॉट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। बट यहाँ पे इन्होंने दोबारा से रिकमेंडेशन क्या दी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपको मिलेगी। बट वही हो गया कि साइमन रिपोर्ट आने से पहले पहले ही मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की थी, क्या उसे कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट, है ना, तो उसमें जो था इन्होंने कंप्लीट इंटरनल सेल्फ रूल की जो थी वो डिमांड की, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने जो था वो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की है, मींस के एक तरह का अटैचमेंट टू द ब्रिटिश क्राउन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं यूनिवर्सिटीज को, तो वैसा इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं की थी यहाँ पे, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में। तो कमीशन हैड टू इंक्वायर इनटू द फंक्शनिंग ऑफ रिफॉर्म्स, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट आया था मॉन्टेक चेम्सफोर्ड, तो उसके बीच में इसको स्टडी करना, रिव्यू करना था इनको। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फर्दर रिकमेंड किया कि डायरकी जो है उसको हम खत्म कर देंगे और कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो दे देंगे इंडियन मिनिस्टर्स को हु आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे कोई ट्रांसफर्ड या रिजर्व सब्जेक्ट नहीं रह जाएंगे, ठीक है, फर्दर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। देन उसके बाद एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनेगा, बट इंडियंस जो है उनको सेंटर पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी, ये भी इनकी एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, अगर एक स्टेटमेंट की बात करें तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं उनको तीन हिस्से में हम डिवाइड कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, राइट। देन उसके बाद रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर बर्मा, बर्मा के लिए भी इन्होंने रिकमेंड किया डोमिनियन स्टेटस और कहा कि उसका भी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेटअप होगा। एंड फर्दर इट रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर।
देन अकॉर्डिंग टू कमीशन उस टाइम पे जो था इन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइजी को इम्प्रैक्टिकल बताते हुए वोटिंग राइट्स को एक्सटेंड करने का रिकमेंडेशन दिया था. उस टाइम पे जो वोटिंग राइट्स थे आपको पता है प्रॉपर्टी के बेसिस पे फर्दर जो इवन जो ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे मेनली हिंदू जमींदार बड़े बड़े वही ज़्यादा मतलब जो टैक्स पे करते थे वही वोट कर सकते थे. ठीक है, तो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 2.5% थी, पूरी भी 3% नहीं थी. ठीक है, 2.5 से भी थोड़ी सी ऊपर थी. तो इन्होंने रिकमेंड किया कि उसको 10-15% पॉपुलेशन जो है वोटिंग राइट्स उनको दे देते हैं. देन फर्दर इट एडवोकेटेड फंडामेंटल राइट्स टू बी गिवन टू इंडियंस, जिसको कि बाद में नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि हमें 19 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. देन फर्दर इट सपोर्टेड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो कॉन्टिन्यू रहेंगे बट जब तक हिंदू मुस्लिम टेंशन जो है वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हो जाती, जो कि हुई नहीं थी. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव कम्प्लीट कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज. देन फर्दर एक और चीज़ जो बढ़िया इन्होंने रिकमेंड की थी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी एनहांसमेंट के लिए और यूनिवर्सिटीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए और डाइवर्सिफाइड कोर्सेज जो है हायर एजुकेशन में प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड इसके चलते एक हार्टो कमेटी 1929 में, ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, कमेटी भी इम्पॉर्टेंट है, फर्दर ये भी कमेटी इम्पॉर्टेंट है और ईयर भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो हार्टो कमेटी जो थी ये बैठाई गई थी टू सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया सिंस लेट 19th सेंचुरी. ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और कमेटी बिठाई गई थी, हार्कट बुटलर कमेटी. ठीक है, तो नाम एक जैसे है, हार्टोग एंड हार्कट, तो कन्फ्यूजन मत लेना. ठीक है, तो हार्कट बटलर कमेटी जो थी वो बेसिकली जो नेटिव स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए पैरामाउंट पावर ब्रिटिश क्राउन के साथ क्या उनके रिलेशंस हैं उनके लिए बिठाई गई थी. बेसिकली जब कोई रिफॉर्म की बात आती है तो ऑब्वियसली स्टेट्स की बात तो आएगी ही ना. ठीक है, तो उनके चलते ये कमेटी जो थी बटलर कमेटी बिठाई गई थी एंड इट डिक्लाइंड टू डिफाइन. इन्होंने पैरामाउंसी की जो डेफिनेशन थी वो तो नहीं बताई बट इन्होंने ये जरूर बोल दिया कि पैरामाउंसी जो है वो पैरामाउंट रहेगी. ठीक है, पैरामाउंट रहेगी का मतलब ये है कि इन्होंने वाइसराय जो था उसको अपना समर्थन दिया बट नॉट द गवर्नर जनरल. इन्होंने बोला कि जो वाइसराय है वही जो मतलब अपना क्या उसे कहते हैं ब्रिटिश क्राउन का एजेंट रहेगा, गवर्नर जनरल नहीं. ठीक है, इन डीलिंग विद द नेटिव स्टेट्स, जब हम नेटिव स्टेट्स की बात करते हैं तो इनफैक्ट राइट टू प्रोटेक्ट का मतलब था राइट टू इंटरनल इंटरवेंशन. ठीक है, कि आपके मतलब अफेयर्स में अपना जो होता ना टू पोक योर नोज इनटू समवन्स अफेयर, तो वो काम जो है ये करते ही रहेंगे. सो इट वॉज कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट टू सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडियंस दैट दस इट वॉज शोन ब्लैक फ्लैग्स एवरीवेयर. देन अपोजिशन टू साइमन कमीशन ग्रीव इन ग्रेटेस्ट प्रपोर्शन एवरीवेयर इंडिया. अब रिजल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कि क्या क्या रिजल्ट थे. एक तो इसका प्रोटेस्ट हुआ, देन इसके बाद जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की उनका भी प्रोटेस्ट किया गया, अपने लोगों ने डिसकंटेंटमेंट शो की. एंड बिफोर द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन कुड बी लेवल बिफोर द पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कि पहले से ही इनकी डिमांड थी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस जो हैं वो करवाई जाए, इंडियंस ने डिमांड की थी ना, तो इसको फर्दर इन्होंने जो था एक्सेप्ट किया कि हम आपके साथ जो है वो आपके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फ्यूचर में हम करने वाले इंडियंस के लिए, तो उसके लिए हम आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था वो एक इसका अल्टीमेट रिजल्ट था. साइमन कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस थी वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई थी. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का देखा जाए तो काफ़ी पार्ट जो है वो आज के हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इम्प्लीमेंटेड है. राइट, सो द एक्ट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल. और डायरकी को अबॉलिश किया गया था लेटर ऑन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे राइट आफ्टर राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेज हुई थी 1930, 31, 32 में, उसको कम्प्लीटली हम डिस्कस करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ेंगे. देन बट इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज वेल एज स्वराज. दो पोलिटिकल अटोनमी फॉर द प्रोविंसेस वॉज एक्सेप्टेड बाई एंडिंग डायरकी. बट इसमें क्या हो गया कि गवर्नर को इन्होंने एडिशनल पावर्स दे दी कि अब जो मिनिस्टर्स हैं कोई भी डिसीजन लेते हैं तो गवर्नर उनको रिव्यू कर सकता है. तो देखा जाए कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है ना. तो एक फंडामेंटल चेंज कोई भी नहीं हुई गवर्नेंस में. अब उनसे पावर रिजर्व सब्जेक्ट तो ले लिए गए बट एक उसको एडिशनल पावर ये दे दी गई कि कोई भी डिसीजन इंडियन मिनिस्टर्स लेते हो तो आप उसको रिव्यू कर सकते हो.
So one of the members of commission claimant Richard Attlee has endorsed the final report of Simon Commission, but by 1933 उसको ये चीज़ जो थी वो महसूस हो गई थी कि ब्रिटिश रूल जो है उसकी वजह से इंडिया में कोई इंडिया की सोशल अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी खास डिफरेंसेस नहीं आए हैं, कोई खास रिफॉर्म्स नहीं लाए गए हैं. एंड लॉर्ड इरविन ने इसके बारे में कहा है फाइंडिंग्स ऑफ दिस कमीशन वर लैकिंग इन इमेजिनेशन. तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है. सो दैट्स ऑल अबाउट साइमन कमीशन. इसके साथ हम कॉन्टिन्यू करेंगे नेहरू रिपोर्ट, दिल्ली रेजोल्यूशन के साथ और जिन्ना 14 पॉइंट. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टूडे. एंड इफ यू लाइक प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट लाइक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.